तारीख 26 अक्टूबर सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। लेकर अमेरिका चीन के बीच ठनी मुजोरी के अंदर की दो टुक खरी खरी बात, वो सच्ची कहानी जो अमेरिका के खाने के दांत और दिखाने के दांत वाली कहावत को सच साबित करने के लिए काफी है। दरअसल अमेरिका दो मुहा देश है, इसकी एक वानगी भर हो सकती है मेरे द्वारा पेश इस वक्त सुनाई जा रही ये खरी खरी दो टूक बात, वो बात जिसमें अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर एक पूर्व अमेरिकी फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ने जमाने में अपने ही देश यानी अमेरिका को चौराहे पर लाखड़ा किया है। इस काम में काफी कुछ सकारात्मक हिस्सेदारी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और अमेरिकन जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की भी रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक अमेरिकी फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार कर दुनिया को चौंका दिया है। चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार इस पूर्व अमेरिकी फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के ऊपर चीनी सेना को ट्रेनिंग देने का आरोप लगा है। इस खबर के उजागर होने से अमेरिकी हुकूमत की तो हालत खराब है, उसे जवाब देते नहीं बन रहा है कि जो अमेरिका दिन रात चीन को अपना दुश्मन बताता रहता है, आखिर उसी अमेरिका का कोई पूर्व फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैसे अपने दुश्मन देश चीन की सेना को ट्रेनिंग देने जैसा जुर्म भी कर सकता है। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के हवाले से बाहर आई इस खबर ने न केवल अमेरिकी हुक्मरानों को मुंह छिपाने की हालत में लाखड़ा किया है, अपितु इस घटना ने चीन को भी उलझन में डाल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार डेनियल एडमंड दुग्गन ने खुद इस बात को कबूला है कि वो चीनी सैनिकों को ट्रेंड कर रहा था, और वो खुद भी एक पूर्व अमेरिकी फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए आगे ये भी कहा है कि आरोपी को न्यू साउथ वेल्स के ऑरेंज इलाके से बीते शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, उसे कोर्ट में पेश किया गया। ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, लिहाजा डेनियल एडमंड दुग्गन को पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया की जेल में डाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया में अपने किसी पूर्व फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की गिरफ्तारी की खबर ने अमेरिका के हाल फिलहाल होश उड़ा रखे हैं। हालांकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के अधिकारी आरोपी के प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटे हैं, यह दोनों देशों के बीच संधि के तहत किया जा रहा है। अमेरिका इस कोशिश में है कि वो अपने गिरफ्तार फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को जल्दी से जल्दी हम वतन वापस ला सके, ताकि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस उससे कहीं और ज्यादा अंदर की बातें ना उगलवा ले। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अमेरिकी अधिकारियों को लिखित में बता दिया है कि उसका यह पूर्व अमेरिकी फाइटर पायलट चीनी वायुसेना के पायलटों को बहैसियत फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दिया करता था। उधर दूसरी ओर सूत्र ये भी कहते हैं कि अमेरिकी फाइटर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को अमेरिकी एजेंसियों की सूचना पर ही ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अपने देश में गिरफ्तार किया है। बहरहाल जो भी हो, आरोपी के ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी ने दुनिया भर में अमेरिका की खूब जग हंसाई, या कहिए कि किरकिरी तो करा ही डाली है, जिसके चलते अब अमेरिकी हुकूमत को कोई सही जवाब देते भी इस बारे में नहीं बन रहा है, क्योंकि आरोपी के ऊपर आरोप ही अमेरिका के दुश्मन देश चीन के वायु सैनिकों को ट्रेनिंग देने जैसा गंभीर है। फेडरल अटॉर्नी जनरल विभाग के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने ही कुछ समय पहले अपने इस संदिग्ध पूर्व पायलट के बारे में ऑस्ट्रेलिया एजेंसियों को इनपुट दिया था। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी फाइटर पायलट ही चीनी वायुसैनिकों को ट्रेन करता हुआ धरा गया हो। इससे पहले ब्रिटेन भी चीन में ऐसे अपने कई पूर्व सैन्य पायलटों की मौजूदगी का आगाह कर चुका है। हालांकि ब्रिटेन ने तब ये कहकर अपना पल्ला छुड़ा लिया था कि अगर उसके इन पूर्व पायलटों ने चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग देना तुरंत बंद नहीं किया तो वो कठोर कानूनी कदम उठाएगा। जबकि इसके बाद भी बताया जाता है कि ब्रिटेन के पूर्व पायलट चीनी सैनिकों को छिपते छिपाते आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत, गुरुवार रात मेरे वापस लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात भी तो लिखते जाइए ना।